मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? सबसे पहले आपको परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। जिस संख्या को p बट्टे q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें याद रखिएगा, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो, कहने का मतलब है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3/2 लिख दूं तो क्या ये परिमेय संख्या है? यस, परिमेय संख्या है। आगे देखो, वही मैं लिख दूं 0/2, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें बोला गया है कि नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी हमें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अब मैं वही लिख दूं 7/0, क्या यह परिमेय संख्या है? तो कहिए गया परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया? जीरो। और नीचे जीरो आ जाता है तो वह अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होता है। एक और बात, देखिए √3 लिखा हूं, क्या यह परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तो 3 किसी का वर्ग नहीं होता है। एक और समझो, मैं वही लिख दू यहां पर 9, तो 9 किससे बाहर निकलेगा? 3 से बाहर निकलेगा, तो यह परिमेय संख्या है। यानी जो रूट से बाहर निकल जाता है वो परिमेय होता है, और जो नहीं निकलता है अपरिमेय होता है। और समझो, ये देखो ये पाई है, अब पाई जो है ना यह एक अपरिमेय संख्या, क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान, पाई का मान होता है 22/7 होता है, यह परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। तो आपने इतना कुछ सीखा, तो इस क्वेश्चन को बना के दिखाओ आप, मैं बना दे रहा हूं इसे। तो अब इस क्वेश्चन को इसके ऑप्शन से ट्राई करते हैं कि इसमें कौन परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे 100 है, 100 किसका वर्ग होता है? आपको याद है 100 10 का वर्ग होता है, किसका होता है? 10 का। और ये 100 किसका वर्ग होता है? 10 का वर्ग होता है। 10 क्या हो गया? 20 हो गया। ठीक है, आपके मन में यही चल रहा होगा, दरअसल ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ ध्यान दो, पहले इसे ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऐड। यहाँ देखो, यहाँ क्या छिपा है? एक, और यहाँ एक, एक और एक क्या हो गया? 2। और रूट क्या हो गया? 100। क्या हो गया? 100। 2 × 100 किससे बाहर निकलता है? भाई 10 का वर्ग होता है, तो लिख देंगे 10 × 2 = 20। आपको हो गया आंसर, तो वही आया, परिमेय तो आ ही गया, लेकिन मैथ का रूल यह है ना कि ये, समझा गया ना? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B होगा। ठीक है, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। अगर आप